यशोधरा नगर थाना अंतर्गत रिंग रोड से ऑटोमोटिव चौक की ओर जा रही कार वांझरी परिसर में अनियंत्रित होकर रास्ते से 30 फुट नीचे गिर पड़ी। 3 झोपड़े इसमें तहस नहस हो गए हैं। उस समय आसपास सो रहे गरीब परिवार के बच्चों समेत करीब 15 लोग इस हादसे में बाल बाल बच गए। यह हादसा शनिवार की रात 12:30 बजे के दौरान हुआ। जानकारी के अनुसार 2 लोग MH33A4334 नंबर की कार से निकले चिकली पुलिया से ऑटोमोटिव चौक की ओर जा रहे थे। वांझरी परिसर में कैंसर अस्पताल के पास अचानक कार चालक का गाड़ी पर से नियंत्रण छूट गया। कार फुटपाथ पर टकरा कर सीधे ढलान में जा गिरी। कैंसर अस्पताल के बगल में ही पिछले 2-3 महीनों से छत्तीसगढ़ से आए 10 से 15 परिवार अपने झोपड़े बनाकर रह रहे थे। वे झाड़ू बनाने एवं बेचने का काम कर रहे थे। कार रास्ते से उतरकर सीधे जमीन से टकराई और दोबारा उछलकर उन झोपड़ी में घुस गई। 3 झोपड़ी इस कारण पूरी तरीके से टूट गए। इन झोपड़ों में बर्तन और तैयार माल रखा हुआ था, जबकि कुछ लोग बगल की झोपड़ी में सोए हुए थे। दीवार से कार के टकराने की आवाज सुनकर लोगों की नींद खुली। कार में 2 लोग सवार थे और वो दोनों ही बेहोशी की हालत में थे, जिन्हें गंभीर चोट भी लगी थी। इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। यशोधरा नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार के शीशे तोड़कर दोनों जख्मियों को बाहर निकाल लिया था। मेरा नाम पप्पू खान जरीवाला है, मैं समाज सेवक हूँ प्रभाग पास से। मुझे ऐसी सूचना मिली, मैं दौड़ के यहाँ पर आया। मुझे पता चला कि एक गाड़ी बहुत रोड में से डिवाइडर में से छलांग मार के इनके झाड़ू के जो माल रखा उस पर जंप मारे, उसके बाद में फिर बाजू में जंप मारे, जंप मार के बाद में फिर तीसरी जगह पे जंप मारे। जहां से वो गाड़ी जंप मारते मारते जहां जाके वो गाड़ी रुकी वहां से यहां तक के कम से कम 18 से 20 लोग सोए थे। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी के जान माल को नुकसान नहीं पहुंचा, मगर ऐसी गाड़ी चलाना और ऐसी स्पीड में गाड़ी रखना ये बहुत खतरनाक, बहुत बुरी बात है। झाड़ू वाले हम लोग, ये अपना शारदा कंपनी की पीली नदी के पास है, कैसर हॉस्पिटल के नीचे झाड़ू वाले हम रहते हैं। 12:10 पे हादसा हुआ है। 5 बच्चे, 2-3 बच्चे और 2 मियां बीबी यहाँ पे सोए थे। 4 बच्चे और 2 मियां बीबी वहाँ पे सोए थे। पीछे के और वो झोपड़े है उसमें भी 3 बच्चे और 2 मियां बीबी सोए थे। किसी को भी कुछ नहीं हुआ। गाड़ी डायरेक्ट वहाँ से जंप मार के यहाँ पे 2 पलाटे मार के गिरा। किसी को भी नहीं लगा। वहाँ पे एक आदमी को बचा, यहाँ पे लगा थोड़ा सा, बच गए वो लोग भी। किसी को नहीं, हम उठे तो कोई यहाँ पे नहीं थे। शराब पी के थे वो लोग, बेहोश थे, हम मालूम नहीं था शराब वराब पिए के कुछ नहीं पिए थे। हम अपने बाल बच्चे को सबको अपने देखा, सबको अपने इकट्ठा लेके लाए। गाड़ी के अंदर पे तो दो आदमी थे, 2 बच्चे अंदर फंसे थे। हम लोग उसको शीशे फोड़ के बाहर निकाले। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।